बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। नमस्कार, मैं स्वाति, एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लाडली बहनों से ईकेवाईसी के नाम पर 100 से 200 रुपए की मनमानी राशि वसूल रहा सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जी हां, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत ब्योहारी नगर में इन दिनों संचालित ऑनलाइन सेंटर में आधार केंद्र में भारी भीड़ उमड़ रही है और ऑनलाइन सेंटर आधार सेंटर सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आधार केंद्र संचालित है, जिसके द्वारा मनमानी तरीके से लाडली बहनों से मनमानी राशि वसूल कर चांदी काटी जा रही है और आम जनता लूटने के लिए भी मजबूर है। जबकि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार न आधार केंद्र पर न बैंक के केवाईसी कराने के नाम पर कोई राशि न लिए जाने के आदेश के बाद भी यहां आदेशों को दरकिनार कर ई केवाईसी के नाम पर 100 से 200 रुपए तक लिए जाने का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 9 न्यू बरोधा निवासी बालेश्वर सिंह सेंगर ने मीडिया को बताया कि सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आधार केंद्र में ई केवाईसी कराने के लिए मैं दिन भर बैठा रहा, लेकिन ई केवाईसी नहीं हुआ और फार्म जमा कर लिया गया, अब सोमवार को बुलाया गया है। इस तरह आधार केंद्र संचालक ई केवाईसी के लिए पैसे नहीं लेने के आदेश होने के बाद भी 100 से 200 रुपए तक लिया जा रहा है। आम जनता की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन से मांग की गई है कि ई केवाईसी के नाम पर हर केंद्र पर पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी सभी ने जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है कि ई केवाईसी के नाम पर हर केंद्र पर पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी सभी ने जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर प्रकाशित होने के बाद आधार केंद्र पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। एमबीसीडी 24 न्यूज एक्सप्रेस शहडोल से मिर्जा अफसार बेग की रिपोर्ट। जी दादाजी, आपका क्या शुभ नाम है? बालेश्वर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू बरौधा वार्ड नंबर 9 ब्योहारी। ये बताइए, केवाईसी कराने में क्या दिक्कत जा रही है, आप बताइए। केवाईसी कराने में गुरु कल में गया था यहाँ बैंक में शारदागरा में, वो सहकारी समिति कौन बैंक का है? सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वहाँ एक आदमी केवाईसी करता है जी, और केवाईसी के बदले गुरु 200 रुपया वो ले रहा है एक आदमी से जी। है कहता ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट मंच से कहा कि सब केवाईसी फ्री होगी। हाँ। अभी कलेक्टर महोदय ने कहा केवाईसी फ्री होगी। हाँ। इसके बाद भी कि पैसे ले रहे हैं? हाँ, तो मैं गया था, बल्कि पैसे कारण मेरी केवाईसी नहीं दिया जी। केवाईसी मेरी कर लिया है, रखे है। हाँ। हम उससे 200 रुपया मंगाया है। हाँ। अब परसों जाऊंगा 200 रुपया लेके गुरु। हाँ। केवाईसी तो कराया हूँ। तो आपका क्या कहना है कि ये जो इस तरह से धांधली चल रही है? हाँ। जिसमें रोक लगनी चाहिए, इसमें सरकार को, माननीय कलेक्टर महोदय को तत्काल इनकी गिरफ्तारी करना चाहिए। जब शासन रोक लगाई है तो ये क्यों गरीबों से पैसा ले रहे हैं जी? है अन्याय कर रहे हैं, अपराधी हैं जी। और शासन को रोक लगा के और शासन अपने आदमी खड़ा करके और हर आदमी का केवाईसी सुनिश्चित करवाई।